हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 28 मई 2022 दिन शनिवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिये दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात का दौरा करेंगे और वहाँ पर एक अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। सहकारी संस्थाओं के सेमिनार में भी शामिल होंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात जा रहे हैं। वहाँ वे एक नए हॉस्पिटल और एक नए नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का शुभारंभ करेंगे। गुजरात राजकोट के एट कोट में शनिवार सुबह करीब 10 बजे वे नवनिर्मित मातुश्री KDP मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। वहीं आपको बता दूं, अगले महीने जर्मनी में जून में होने वाली G7 देशों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे PM मोदी और हमारे भारत की तरफ से नेतृत्व करेंगे। जर्मन राजदूत ने भारत को कहा हैप्पी इंडिया। अच्छा, NFHS के एक रिपोर्ट में देखिए दोस्तों, बड़ा खुलासा हुआ कि भारतीयों के समाचार जानने की आदतों में बदलाव हुआ है। पुरुष अखबार से तो महिलाएं टीवी से दूर। NFHS का मतलब है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की तरफ से एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि लोग बागों के समाचार जानने के तरीके में ये बदलाव देखा गया। पिछले कुछ सालों से 2019 से 2022 के बीच पुरुष अखबार से दूर हुए और महिलाएं टीवी से दूर हुई। तभी तो अभी भी आप मोबाइल फोन में समाचार न्यूज देख रहे हैं DLS न्यूज चैनल पर, राइट। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब ओला, उबर और जोमेटो जैसी कंपनियों की सेवाओं से जुड़ी शिकायतों को करना और भी आसान होगा। सरकार इससे संबंधित एक नया नियम लाने जा रही है। दरअसल मौजूदा समय में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा दोस्तों जिसने कभी ई कॉमर्स साइट्स या ओला उबर जैसी कैब सर्विस या ओयो रूम जैसे होटल्स का काम ना लिया हो। साथ ही तकरीबन हर एक शख्स कभी न कभी इन डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ता है, लेकिन कभी कभी इनकी सर्विसेज से परेशान होने के चलते इनसे शिकायत भी रहती है, राइट। तो ऐसे में BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इन कंपनियों के लिए अब नियम कानून कायदों को थोड़ा सख्त करने जा रहा है। भारत का कदम ISO की मुहिम के जैसे है। अब देश में भी इन सर्विसेज के लिए एक बेंचमार्क लाने की तैयारी की जा रही है। सरकार चाह रही है दोस्तों कि हमारे देश में जितने भी ट्रेवल टिकट, ई फार्मेसी, क्विक कॉमर्स, डिलीवरी सर्विसेज, फूड एग्रीगेटर्स, पेमेंट सर्विसेज, पेटीएम, फोन पे, बीमे वगैरह जितने भी सर्विसेज है ना, उनके लिए एक बेंचमार्क लाया जाएगा कि कौन सी कंपनी की सर्विस कितनी है, कितनी बेटर है वगैरह वगैरह। और अगर आप इन कंपनियों की सर्विस से ना खुश हैं तो एक ही ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसके जरिए आप इन कंपनियों की शिकायत सरकार से डायरेक्टली कर पाएंगे, है ना। ऑनलाइन कारोबार के लिए भी एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 30 दिन में बनेंगे नए नियम। उपभोक्ता मंत्रालय ने ई कॉमर्स कंपनियों के साथ एक बैठक की और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह जो होती है ना, ऑनलाइन शॉपिंग करने वाली वेबसाइट्स, इनमें भी अगर आपके साथ कोई ठगी होती है, आपके साथ कोई ज्यादती होती है या कंपनियां आपको सामान बेचने के बाद वापस चेंज नहीं करती हैं, तो ऐसे भी किसी भी तरह की शिकायत दर्ज कराने के लिए आपके पास खुले ऑप्शन होंगे। सरकार एक हेल्पलाइन नंबर लाने जा रही है इन चीजों को लेकर। 30 दिन के अंदर अंदर ऐसी कंपनियों के लिए भी नए नियम कानून कायदे बनाए जाएंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। अक्षय कुमार की स्टारर फिल्म पृथ्वीराज का बदला गया नाम। करणी सेना की डिमांड के बाद आखिरकार डायरेक्टर यशराज बैनर ने पृथ्वीराज के आगे सम्राट शब्द को भी जोड़ दिया है। यानी कि पृथ्वीराज फिल्म का नाम अब होगा सम्राट पृथ्वीराज। यशराज फिल्म्स ने कहा कि उनका किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है। उन्होंने इस फिल्म का नाम अब सम्राट पृथ्वीराज रखने का फैसला किया है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। नकली गोल्ड बेचने वालों की खैर नहीं, अब बिकेगा मात्र खरा सोना। 1 जून से ही ये नया नियम लागू होने जा रहा। आपको पता होगा सरकार ने हॉलमार्किंग के नियम को काफी समय पहले से ही शुरू करने की घोषणा की थी, राइट। लेकिन अब गोल्ड हॉलमार्किंग को लेकर 1 जून से ज्वेलर्स के लिए एक और सख्त नियम लागू होने जा रहा। ज्वेलर्स केवल हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण ही बेच पाएंगे। इसका मतलब यह है कि सोने के सभी आभूषणों को अब अनिवार्य रूप से हॉलमार्क किया जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS ने 4 अप्रैल 2022 को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से यह घोषणा की थी और हमारे देश के कई राज्यों के कई जिलों में तो ये गोल्ड हॉलमार्किंग वाला नियम पहले से ही लागू हो चुका है। लेकिन जहां तक अभी लागू नहीं हुआ, सरकार ने छूट भी दी थी क्योंकि ज्वेलर्स ने डिमांड की थी, तो उसके अनुसार सरकार ने छूट दी थी। देश के 256 जिलों में इसका पहला चरण 23 जून 2021 को ही लागू कर दिया था और बाकी जिले जो बच रहे हैं वहां पर अब 1 जून 2022 से इसका दूसरा चरण लागू हो जाएगा। उसके तहत और देश के कई राज्यों और कई जिलों को शामिल किया जाएगा जहां 1 जून 2022 के बाद केवल और केवल हॉलमार्किंग वाला गोल्ड ही बिक पाएगा, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, छोटे कारोबारियों के लिए खुशखबरी आ रही है। GST रिटर्न्स दाखिल करने में देरी होने पर नहीं लगेगी लेट फीस। जी हाँ, देश के छोटे कारोबारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब अगर GST फाइल करने के प्रोसेस में आपको लेट हो जाता है तो भी आपको फाइन यानी कि जुर्माना या लेट फीस नहीं देनी होगी। इसके लिए आपको जून 2022 तक की छूट दी गई है। सरकार का कहना है कि 1 मई से 30 जून तक आपसे कोई भी लेट फीस नहीं ली जाएगी। तब तक आप अपने GST
IR4 वगैरह किसी भी तरह के पेंडिंग GST रिटर्न को भर सकते हैं। ओके, अच्छा वही देखिए दोस्तों, एक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है, एयरलाइंस की सर्विस से लोग बाग ना खुश है। 79% लोगों का यह मानना है कि जितनी भी एयरलाइंस कंपनियां हैं वो ग्राहकों के साथ कंफर्ट से समझौता कर रही है, और ग्राहकों की सबसे बड़ी समस्या है फ्लाइट में देरी होना। यानी कि जो हवाई जहाज में सफर करते हैं उन लोग बागों का यह कहना है कि फ्लाइट आने में देरी होने की सबसे ज्यादा शिकायतें मिली हैं, और स्पाइस जेट कंपनी से पैसेंजर सबसे ज्यादा नाखुश हैं। उसके बाद इंडिगो से एयर इंडिया, फिर गो फास्ट, एयर एशिया इंडिया, लेकिन विस्तारा एयरलाइंस कंपनी जो ऐसी है जिससे मात्र 2% लोग ही नाखुश हैं। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी फ्लाइट सफर किया या नहीं, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए अगला अपडेट देखिए, अब बिना डॉक्टर से दवाएं लिखवाए भी आप ये 16 दवाइयां खरीद पाएंगे, लेकिन आपको एक शर्त पूरी करनी होगी। दरअसल आपको बताऊंगा, जनरली हम कोई छोटी मोटी टेबलेट्स तो मेडिकल से लेते हैं तो वो दे देते हैं, लेकिन अगर बड़ी दवाइयां एक साथ ले रहे होते हैं तो मेडिकल वाले नहीं देते हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर की पर्ची लेकर आओ, राइट। लेकिन आम लोगों की सहूलियत के लिए सरकार इस नियम में बदलाव करने जा रही है, और इसके बाद आप 16 तरह की ऐसी मेडिसिन होगी, ऐसी दवाइयां होगी जिन्हें बिना डॉक्टर की पर्ची के भी खरीद पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने ओवर द काउंटर कैटेगरी शुरू करने का प्रस्ताव किया है, जिसके बाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स में बदलाव किए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसमें 16 तरह की दवाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है। इस पर मुहर लगने और इस नियम कानून कायदे के लागू होने के बाद इन दवाओं को खरीदने के लिए आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी। कौन कौन सी 16 दवाइयां हैं जिनमें आप देख सकते हैं, पैरासिटामोल 500, कुछ लेक्सेटिव्स और फंगल क्रीम भी इसमें शामिल है, और भी अलग अलग तरह की मेडिसिन इसमें होगी, है ना। तो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से इसका प्लान बनाया जा रहा, ऑफिशियल रूल्स अभी तक लागू नहीं हुए हैं, जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नियम सरकार बनाने जा रही है। अच्छा अगला अपडेट देखिए, बड़ी ही दुख की बात है, आपको पता होगा कल ही लद्दाख में हमारे जवानों को ले जा रहा सेना का वाहन नदी में गिर गया, और इसमें 7 जवानों की जान चली गई, कई जवान इसमें घायल भी हो गए, 26 जवान इसमें टोटल सवार कर रहे थे। और इस दुख भरी घटना के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दुख जताया, और मृतकों और घायलों के जवानों उनके परिजनों को पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। लद्दाख की इस दुर्घटना में जवानों के शहीद होने पर पूरा देश गमगीन माहौल में है। हम सभी ईश्वर से, गॉड से यही प्रे करते हैं कि शहीद जवानों को, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, ICICI बैंक से निकल कर आना कि ICICI बैंक ने रिकरिंग डिपॉजिट पर भी ब्याज बढ़ा दिया है। यानी कि जैसे FD होती है फिक्स डिपॉजिट, वैसे होता है RD जिसे कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। FD के बाद अब RD की भी ब्याज दरें बढ़ने लगी हैं, और ICICI बैंक की तरफ से हाल ही में RD की ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी की गई है, 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। और इस बढ़ोतरी के बाद अभी 6 महीने की RD पर 3.5% और 9 महीने की RD पर 4.4% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वरिष्ठ नागरिकों को भी इस RD और FD दोनों में ज्यादा ब्याज मिलता है, जाहिर सी बात है, तो उसकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। ओके, चलिए अगला अपडेट देखिए, अब दोनों पैरों से चलेगी सीमा। जमुई प्रशासन ने लगवाया कृत्रिम पैर, पहले एक पैर से कूद कूद कर जाती थी स्कूल। आपको पता होगा हाल ही में कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक विकलांग लड़की का वीडियो वायरल हुआ, और वाकई में इस लड़की के वीडियो ने कई लोगों को जिंदगी जीने का हौसला भी दिया, क्योंकि ये लड़की 1 किलोमीटर दूर मात्र एक पैर से उछल उछल कर स्कूल जाती है। इसके पढ़ाई के जज्बे और हौसले को सैल्यूट यार, इतनी छोटी उम्र में इतना डेडिकेशन, इतना जुनून पढ़ाई के लिए और इतना संघर्ष। वाकई में उम्र भले ही इस लड़की की छोटी है, लेकिन हौसले और दिल काफी बड़ा है। इस लड़की ने कई लोगों को जिंदगी जीने की एक नई राह, नई उम्मीद दिखाई है, इतनी बड़ी प्रेरणा और मोटिवेशन दिया है, राइट। तो इस लड़की के वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, ये बिहार की जमुई की लड़की है, प्रशासन ने इस लड़की को ट्राई साइकिल दिलाई और उसके बाद इसको कृत्रिम पैर भी लगवाया, ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। तो अब ये दोनों पैरों से चलकर स्कूल जा सकेंगी दिव्यांग सीमा। 2 दिन के अंदर ही इसको आर्टिफिशियल पैर लगाया गया। वाकई में यार सीमा के हौसलों की दाद देनी पड़ेगी। अच्छा चलिए अगला अपडेट देखिए, अब बिजली महंगी करने की तैयारी कर रही है सरकार। महंगा कोयला आयात करने वाले प्लांट बढ़ा सकेंगे बिजली की कीमतें, सरकार ने ये इजाजत दे दी है। आपको बताओ पिछले कुछ समय से हमारे देश में बिजली की काफी किल्लत चल रही है, और कटौती भी ज्यादा हो रही है, क्योंकि कोयले का संकट ज्यादा चल रहा था, राइट। तो अब प्लांट्स क्या कर रहे हैं कि अलग अलग सोर्सेज से महंगा कोयला आयात कर रहे हैं, हमारे देश में इंपोर्ट कर रहे हैं। तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने विदेश से कोयला आयात करने पर बिजली बनाने वाले जितने भी थर्मल संयंत्र प्लांट हैं उनको ये छूट दे दी है कि वे बढ़ी हुई लागत बिजली खरीद समझौते के जरिए वसूल कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है अब जो बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं उनको कोयला महंगा पड़ रहा है, तो वो ग्राहकों से बिजली की रेटें बढ़ा सकती हैं और इसका बोझ ग्राहकों पर डाल सकती हैं। केंद्र सरकार की तरफ से इन कंपनियों को ये इजाजत दे दी गई है ना, तो उम्मीद है कि बहुत जल्द बिजली भी महंगी हो जाएगी। अच्छा अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, स्टार्टअप शुरू करने और परीक्षाओं में योगी सरकार हेल्प करेगी। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का बजट पेश किया था, आपको बताऊंगा कल ही, और बजट में कई तरह के बड़े ऐलान भी किए गए, मैंने आपको बताया भी था इनके बारे में विस्तार से, राइट। युवाओं के लिए एक स्पेशल
स्पेशल पॉइंट जो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा वो ये कि एक तो बजट में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में युवाओं के लिए यूपी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए के बजट की अलग से व्यवस्था रखी है। यूपी गवर्नमेंट का मानना है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा और इससे उत्तर प्रदेश राज्य में ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी बढ़ेंगे। यूपी सरकार का प्लान है 5 साल में प्रत्येक जिले में कम से कम एक और कुल 100 इनक्यूबेटर्स और 10,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स की स्थापना की जाए। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी ऐलान करते हुए योगी सरकार ने घोषणा की है कि आपको अपने घर के पास ही बेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग की फैसिलिटी मिलेगी फ्री में। जो सरकार की अभ्युदय योजना है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। तो ये कुछ प्रमुख बड़े ऐलान रहे यूपी सरकार के युवाओं को लेकर। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कुछ दिनों से, आपको पता होगा कि देश भर में 31 मई को सभी ट्रेनें बंद रह सकती है, यानी कि सभी तरह के रेलवे के रूटों का आना जाना बंद रह सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं इसके पीछे वजह ये है कि हमारे देश में जितने भी ट्रेन स्टेशन पे ट्रेन मास्टर्स है ना, उन्होंने रेल मंत्रालय को ये फाइनल अल्टीमेटम दे दिया। उनकी कुछ मांगे हैं, अगर इंडियन रेलवे समय पर पूरा नहीं करता है तो देश भर में 35,000 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशन मास्टरों ने यह ऐलान किया कि 31 मई 2022 को देश भर की ट्रेनों की हड़ताल रखी जाएगी और इसका नोटिस भी मंत्रालय को जारी कर दिया। अब डिपेंड करता है कि रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से इन स्टेशन मास्टरों को किस तरह से सेटिस्फाइड किया जाता है, क्योंकि ये जरूरी है कि या तो इनकी मांगों को माना जाए, पूरा किया जाए, या तो इनकी मांगों पर सरकार की तरफ से कोई बेहतर आश्वासन और बेहतर सुझाव इनको दिया जाए ताकि ये संतुष्ट हो सके, राइट। वरना ये 31 मई को हड़ताल करेंगे तो जाहिर सी बात है देश भर में ट्रेनों की आवाजा ही बंद रह सकती है और इससे करोड़ों लोगों का यातायात में दिक्कत आ सकती है। देखते हैं क्या अपडेट आता है आगे, इस पर जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, उत्तराखंड सरकार की एक नई पहल देखिए दोस्तों। सरकारी स्कूलों में अब वेद भी पढ़ाएगी उत्तराखंड सरकार। उत्तरकाशी में खुला राज्य का पहला वेद स्कूल भी। उत्तराखंड सरकार इस पर विचार कर रही थी कि सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा को किस तरह से शामिल किया जा सकता है, और अब आखिरकार डॉक्टर धन सिंह रावत ने ये ऐलान कर दिया कि उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में वेदों की शिक्षा दी जाएगी। जो 4 तरह के वेद होते हैं आपको बताऊंगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सभी वेदों को, उपनिषद, गीता और रामायण जैसे ग्रंथ भी स्कूलों में पढ़ाए जाने को लेकर हाल ही में काफी कुछ चर्चाएं आपने अलग अलग राज्यों की सरकारों के बारे में देखी होगी। तो फाइनली उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया कि पहले वेद विद्यालय का उद्घाटन भी किया गया उत्तराखंड राज्य में और अब स्टूडेंट्स को वेदों की पढ़ाई भी दी जाएगी। वाकई में ये गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि ये चीजें और ये नॉलेज भी शेयर होते रहना जरूरी है, राइट। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे, इम्पोर्टेंट न्यूज अपडेट देखेंगे, लेकिन फिलहाल दोस्तों आज के मौसम समाचार देख लीजिए आप। देखिए, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 28 मई 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी हिमालय और दक्षिण और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी हल्की छिटपुट बारिश की संभावना है। बाकी पूर्वोत्तर राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। ओके, तो ये तो रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट देखिए दोस्तों। सोना अभी सबसे उच्चतम स्तर से 4,040 रुपए सस्ता चल रहा और चांदी 63,000 के पार पहुंच चुकी है। सराफा बाजार में सोने और चांदी के रेटों में अपडेट देखिए आप। आज सोना 50 रुपए महंगा हुआ और चांदी 200 रुपए तेज हुई। उसके बाद अभी सोने का रेट 52,160 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा और वहीं चांदी की बात करें तो 63,360 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा। ओके, अच्छा, पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल पर एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों कि पाकिस्तान में जब 30 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल अभी आज ही, तो इस पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि भारत से कुछ सीखो, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल पर जो 9-10 रुपए की छूट दी गई थी, तो उसी का इंटेंशन मानते हुए पाकिस्तान के पूर्व पीएम ने पाकिस्तान के वर्तमान वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल से ये बात कही है। आपको बता दूं पाकिस्तान में अभी पेट्रोल डीजल काफी ज्यादा महंगा चल रहा है। पेट्रोल 179 रुपए प्रति लीटर और डीजल 174 रुपए प्रति लीटर चल रहा है, 200 के पास पहुंच गया। अच्छा, कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप दोस्तों। यूजीसी ने बदला क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, अब नए तरीके से होगा मूल्यांकन, जॉब के साथ साथ स्टूडेंट्स को विदेशों में पढ़ने का मौका भी मिलेगा। दरअसल यूजीसी ने नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NHEQF में बदलाव किया है। 5 से 10 साल लेवल को कम करके 4.5 से 8 लेवल में बदल दिया। ये ग्रेजुएशन से लेकर PhD तक लागू होगा और इस बदलाव पर 25 मई को देश भर के यूनिवर्सिटी के कुलपति और कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ एक वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। और कुल मिलाकर के दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC की तरफ से जो ये प्लान बनाया जा रहा है ना, इसके तहत स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा लाभ होगा। वे संस्थान से लेकर किसी भी प्रोग्राम में आ जा सकेंगे। स्कूलों के जैसे उच्च शिक्षा में भी स्टूडेंट्स को हर वर्ष लर्निंग आउटकम के आधार पर एक मूल्यांकन होगा। इसमें कौशल और नॉलेज परीक्षा से मूल्यांकन होगा। मकसद है स्टूडेंट्स की डिग्री
प्रोग्राम कोर्स के आधार पर मूल्यांकन करना और उनमें सीखने की क्षमता कितनी है, इसके आधार पर उन्हें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और दुनिया के अलग अलग फॉरेन के यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका भी मिलेगा, राइट। अच्छा, एजुकेशन पर एक अपडेट आ रहा है। सरकारी स्कूलों में 6 से 15 जून तक होगी वार्षिक परीक्षा। झारखंड से खबर आ रही दोस्तों कि राज्य के सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में वार्षिक परीक्षा 6 से 15 जून तक होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से शुक्रवार को परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप झारखंड के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। वही देखिए, नीट यूजी 2022 के रजिस्ट्रेशन में इस साल 2.5 लाख से भी ज्यादा का इजाफा देखा गया। हिंदी में परीक्षा देने वालों की संख्या बढ़ी है। मातृभाषा हिंदी के बाद गुजराती में परीक्षा देने वाले लगभग 50,000 उम्मीदवारों के साथ दूसरे स्थान पर है। नीट यूजी में जो की नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें आपको बताऊंगा हाल ही में कई राज्यों ने हिंदी में भी स्टूडेंट्स को शामिल होने की इजाजत दी गई, राइट। तो उसके बाद अब पिछले सालों की तुलना में इस साल 2.5 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स की बढ़ोतरी देखी गई, तो अच्छी पहल है। क्योंकि कई लोग जो है इंग्लिश की वजह से इस तरह के बड़े लेवल के एग्जाम नहीं दे पाते हैं, लेकिन अब हिंदी में उनको ये ऑप्शन मिलेगा तो वो भी मनपसंद एग्जाम दे पाएंगे, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, इंडस्ट्रियल हब बनेगा बिहार, हजारों युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा। टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी को भी मंजूरी मिल चुकी है। बिहार के नीतीश सरकार ने राज्य की नई टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी है। राज्य के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा और चमड़ा बाजार में उद्योग और रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए बिहार में निवेश का माहौल तैयार किया जा रहा है और इससे आने वाले समय में राज्य की तरक्की की राह आसान होगी। हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा क्योंकि इससे राज्य में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कारोबार बढ़ेगा, राइट। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब बिना जमीन वाले मंदिरों के पुजारियों को हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे। यह आदेश 1 मई से ही लागू माना जाएगा। ऐसे मंदिर के पुजारी, संत जिनके पास खुद की कोई जमीन नहीं है, उन पुजारियों को मध्य प्रदेश सरकार 5,000 रुपए हर महीने एज ए तनख्वाह के रूप में देगी। इस संबंध में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की तरफ से आदेश भी जारी कर दिए हैं और इसकी घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से 4 तारीख को ही कर दी गई थी। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर, पहली बार हिंदी उपन्यास को बुकर पुरस्कार मिला है। गीतांजलि श्री के टॉम्ब ऑफ सैंड ने जीता प्राइज। अमेरिकन राइटर डेजी रोकवेल ने किया था इसका अंग्रेजी अनुवाद और ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों कि भारत के लेखनी यानी कि भारत के कलम का दुनिया में डंका बजा है और पहली बार किसी हमारे भारत के इंडियन के हिंदी उपन्यास को बुकर पुरस्कार मिला, जो कि दुनिया का एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है करंट अफेयर्स के हिसाब से, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस पॉइंट्स को और इस टॉपिक के बारे में थोड़ा ध्यान में रखिएगा नॉलेज। गीतांजलि श्री का उपन्यास जो कि हिंदी में रेत समाधि के नाम से पब्लिश हुआ था, इसी को प्रतिष्ठित बुकर प्राइज मिला है। भारत के राइटर गीतांजलि श्री ने इस साल का बुकर प्राइज जीता है और खास बात यह है कि टॉम्ब ऑफ सैंड बुकर जीतने वाला हिंदी भाषा की ये पहली किताब भी है, साथ ही किसी भी भारतीय भाषा में भी अवार्ड जीतने वाली ये पहली किताब भी है। अमेजिंग, राइट। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अब इस टू व्हीलर में लगवा सकेंगे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। जी हाँ, एथर एनर्जी ने अपने 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए नया TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है, जानकारी आप देख सकते हैं। वही देखिए दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि शोले शब्द का अगर व्यावसायिक उपयोग किया तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। शोले फिल्म के 2 दशक बाद हाईकोर्ट की तरफ से एक ऐसा फैसला देखने को मिला। हाईकोर्ट का कहना है कि शोले एक बहुत ही प्रतिष्ठित और पॉपुलर फेमस नाम रह चुका है फिल्म इंडस्ट्री में और ये प्रतिष्ठित फिल्म का टाइटल है, शीर्षक है और इसीलिए कोई भी इसे कॉमर्शियल यूज नहीं कर सकता है। वही देखिए, नोटों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि साल भर में दुगुने हुए 500 के नकली नोट। 2,000 रुपए के जाली नोट 54.16% बढ़े, 50 और 100 रुपए के नकली नोट कम है। अभी हमारे देश में 21.3% करेंसी नकली नोटों की अवेलेबल है। आलिया एक रिपोर्ट में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में नकली नोटों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि बाजार में कहीं भी आप सामान खरीदने जाते हो, लेने जाते हो, कुछ भी करते हो, नोटों का लेन देन कभी भी करो ना तो 2 मिनट थोड़ा तसल्ली से अच्छे से देख करके लिया करो, है ना, कहीं आपको कोई नकली नोट ना पकड़ा दे, टोपी ना पहना दे इसलिए। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों की घोषणा कर दी है। 25 जून से शुरू होगा 3 चरणों का मतदान। 25 जून से 8 जुलाई तक 3 चरणों में अलग अलग मतदान होंगे और मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने वालों के लिए इस बार MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से एक बड़ी घोषणा भी की गई है। उनका कहना है कि महिला पंच या सरपंच चुनने वाले गांव इस बार सम्मानित होंगे, अलग अलग श्रेणियों में उनको सम्मान दिया जाएगा, है ना। और MP में चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। नई योजना की घोषणा और नई हितग्राहियों का चयन अब नहीं होगा। और साथ ही अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी मस्जिद के मामले पर कोर्ट का कहना है कि सर्वे का फोटो वीडियो सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। वाराणसी कोर्ट में मसाजिद कमेटी ने एक एप्लीकेशन दी, वैदिक सनातन संघ ने भी इसका समर्थन किया। वही देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बकायेदारों के बिजली बिल जमा कराने के लिए विभाग की तरफ से एक नई सुविधा शुरू की गई है। अब आप किस्तों में भी अपना बिल भुगतान कर सकेंगे। अगर आपका बिजली बिल
काफी समय से पेंडिंग है, तो उसको आप किस्तों में भर सकेंगे, है ना। चलिए देखिए अगला अपडेट। टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि टेलीग्राम ने वीडियो मैसेज के लिए ऐप में जोड़ा एक नया फीचर। मतलब जिस तरह से टेक्स्ट मैसेज ऑडियो मैसेज भेजते हैं ना, उस तरह से टेलीग्राम में अब आप वीडियो मैसेज भी भेज पाएंगे। इस फीचर के जरिए यूजर्स एक सर्किल में फाइल अपलोड कर सकते हैं। ये फीचर एक यूजर के वीडियो मैसेज को कंप्रेस करके तुरंत दूसरे यूजर को भेज देता है। यानी कि आप तुरंत ऑडियो रिकॉर्डिंग का मैसेज भेजते हैं ना व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, उस तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग का मैसेज भी भेज पाओगे, है ना। अच्छा अगला अपडेट देखिए। अब हरियाणा के विद्यार्थी सीखेंगे तेलुगु भाषा। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने इस तरह का नया प्लान भी तैयार किया है। वह देखिए दोस्तों, फ्यूल संकट से जूझते श्रीलंका देश का एक नया प्लान देखने मिला। देश में अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिर से शुरू होगा, इससे निजी गाड़ियों में लगने वाला ईंधन बचेगा। अच्छा सरकार ने एक और चेतावनी जारी की है। ई कॉमर्स साइटों पर जो फर्जी रिव्यू लिखते हैं उनकी अब खैर नहीं, उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। क्योंकि फर्जी रिव्यू से आम आदमी ये कंफ्यूज हो जाता है कि ये प्रोडक्ट्स वाकई में अच्छा है या नहीं है। खेल समाचार पर खबर आ रही है। राजस्थान 14 साल बाद आईपीएल के फाइनल में पहुंची है। राजस्थान ने ये मुकाम हासिल किया है। इसके अलावा बटलर ने इस सीजन में चौथा शतक भी लगाया। बंगलुरु का सपना आखिरकार टूट गया। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों। आप पुराने वाहनों पर डीलर ही लगाएंगे हाई सिक्योरिटी वाली नंबर प्लेट, इसकी व्यवस्था को भी ऑनलाइन किया जाएगा। उत्तराखंड में राज्य में सरकार इस तरह की प्लानिंग शुरू कर रही है। अब पुराने वाहनों पर जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम है वो केवल डीलर ही करेंगे। वाहन मालिकों को इस नंबर प्लेट लगाने में कोई समस्या ना हो, इसलिए सरकार ने इस व्यवस्था को ऑनलाइन करने का भी फैसला किया है। अच्छा किसान भाई लोगों के लिए अंतिम अपडेट देखिए दोस्तों। खेतों में तारबंदी करने के लिए 48,000 रुपए दे रही है ये सरकार। 30 मई से ही इसके लिए फॉर्म भरना भी शुरू होने जा रहे हैं। दरअसल राजस्थान सरकार ने छुट्टा पशुओं से खेतों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किसान भाई लोगों के लिए तारबंदी योजना की शुरुआत की है, और इसके लिए आप 30 मई से आवेदन कर सकते हैं। खेतों में तारबंदी के लिए किसानों को 48,000 रुपए तक की सहायता राशि राजस्थान सरकार की तरफ से दी जाएगी। अब इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी जमीन होनी चाहिए आपके पास, कितने से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह की जानकारी भी आप देख सकते हैं। और सब्सिडी किन किसान भाई लोगों को मिलेगी उसकी भी डिटेल्स आप स्क्रीन पर थोड़ा सा वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। ओके इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि हमारी इंडियन आर्मी के पास शामिल किसी भी एक फाइटर जेट का नाम बताइए, लड़ाकू विमान का नाम लिखिए जो हमारी भारतीय सेना के पास है। जो लोग कमेंट में इस सवाल का सही जवाब वीडियो के नीचे देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीत सकते हैं, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।